अचानक कोई मतलब कि बोला है रमजान मुबारक, वरना हमारा ये व्लॉग अभी जो है ना हमारा चांद रात का व्लॉग होता है। अब लगा रहा ना फुल जन्नती जन्नती है। और भाई इसी दस्तर खान के अंदर एक हमारी बेटी भी दिल की शान, हमारी जान, हमारी जान भाई जान, बर्थडे बॉय, रमजान की आमद आमद श्यामद के दिन उनकी है सालगिरह। अस्सलाम वालेकुम नानी के पप्पो के नानी के ताया के, वेलकम टू माई चैनल, बैक टू माई चैनल, नहीं यूट्यूब टू माई बैक चैनल। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे भाई क्या हो गया, लगकर व्लॉगिंग भूल गया मुझे। क्या हो रहा है? मैंने बोला था ना तुम्हारे को डेली बनाओ, डेली हर दो दिन बाद बनाओ, लेकिन बनाओ, तुम तो भूल ही गए व्लॉगिंग। क्या भाई, मैं तो अपना इंट्रो भी भूल गया, क्या था? खाला तू खाला नानी पोती के बच्चों। अबे भाई ये क्या हो गया? क्या बोला तूने? अबे ऐसा नहीं होता भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात थोड़ी, क्या मतलब एक महीने बाद आए क्या व्लॉगिंग ही भूल जाएंगे? यार मतलब आप लोग यही सोच रहे होंगे यार कि मतलब एक महीने के लिए कहाँ शार्ट हो गया था, किधर गायब हो गया था। और अब तो वैसे भी देखो एक बहुत ही बड़ी कोई ना खुशखबरी ये है कि भाई यार आप सबको पहली बार आप सबको मेरी तरफ से और मुइस की तरफ से रमजान मुबारक। सलाम करो भाई, सलाम कर। मुझे पता है तुम्हारे अंदर का शैतान बना हो गया है, लेकिन फिर भी यार मेरा दोस्त समीर, अबे तू बंद नहीं हुआ भाई? क्यों होऊंगा मैं बंद? तो तुम्हें होना था, तुझे बंद होना था बेटा। अबे भाई सबको छोड़ो, एक हम बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि हम एक महीने तक कहाँ गायब थे। हाँ। भाई गायब नहीं थे, हम आपको नजर तो आ रहे हो गए, हम आपको नजर तो आ रहे हो गए शॉर्ट पे, हम शॉर्ट बना रहे थे भाई शॉर्ट। मुइस और मैं एक दिन जो है ना ऐसे बैठे हुए थे, हमने जो है ना बैठे बैठे शॉर्ट बना दिया, शॉर्ट बना के हमने अपलोड भी कर दिया। जब हमने अपलोड करा तो आप सबने इतना कोई प्यार दिखाया उसमें, तो फिर हमने बोला, फिर हमने बनाया, हमने बोला भाई चलो बस चलो ये स्टार्ट करो ऐसा ही है। इसके बाद लेकिन हमने सोचा, लेकिन अभी देखें इधर करो, इसके बाद मेरे चैनल पे भी डेली व्लॉग्स आएंगे और डेली शॉर्ट्स आएंगे और जी चैनल पे भी डेली व्लॉग्स और डेली। अच्छा भाई अगर आप चाहते ना कि मैं मतलब पूरे 30 दिन डेली व्लॉगिंग करूं तो भैया लाजमी कमेंट में बताइएगा। और दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि डेली व्लॉग करेंगे ईद तक, ईद तक, ईद के दूसरे दिन तक या पहले दिन तक, तीसरे दिन तक, नहीं भाई दूसरे दिन तक भाई, चलो वो देखेंगे, वो चलो देखेंगे, बात की बात है। आप सबसे जो है ना कहे दिल से क्या है, सॉरी है ना, क्योंकि यार एक मतलब एक अरसा होता है, एक महीना। अबे यार मेरे को बाल कटवाने थे, एक महीना मतलब बच्चे के रहे खाले के ताए के नानी के पोती के कहाँ चले गए बच्चे ए, 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 ए? अबे यार मुझे बाल कटवाने थे एकदम से रमजान। अबे भाई ये बात छोड़ो, आप ये तो बताओ सबको, अचानक कोई मतलब के बोला है रमजान मुबारक, वरना हमारा ये व्लॉग अभी जो है ना हमारा चांद रात का व्लॉग होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोला आपने, मतलब अच्छा मतलब क्या प्लान है आगे का, क्या प्लान है? अच्छा अभी सबको छोड़ा आप टाइम बताए, अभी टाइम क्या हो रहा है जिस वक्त हमने कैमरा ऑन रखा हुआ है? भाई 4 बज रहे हैं, दिखाई 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 4 बजने वाले हैं। ये देखिए ये हैंडसम बॉय को दिखा रहे हो, सबको छोड़ो अभी भाई, धीरे धीरे सबसे जो है ना इंट्रोड्यूस कराना है दोबारा, फात भाई गालिब भाई हमजा भाई, बस इनको दिखाता हूँ और किसको दिखाता हूँ, सहरी भी करेंगे और हाँ भाई हम नमाज पढ़ने जाएगी आपको वो भी दिखाएगी, अपनी सहरी से लेके अफ्तारी तक की पूरी डे इन माई लाइफ पूरी की पूरी स्टोरी सुनाएंगे दिखाएंगे। और शबाज सुनो, नमाज पढ़ने साथ चलेंगे, सही है, मैं सहरी कर कर आऊँगा, आवाज़ लाऊंगा, मुइस फौरन आ जाना है, क्योंकि आप देखिए आप सब जानते हैं, इसको जब जब आवाज़ लगाई आता ही नहीं, एक कॉल पे डाकू मारेगा, डाका तो क्या करूँ ना, रब्बुल गलत बात है, मतलब शैतान ये कह रहा होगा, मतलब शैतान ये कह रहा होगा देखो भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो निकल गया, असल में तू ही ऐसा काले तू ही ऐसा ही भाई। जब मैंने सोचा कि यार जब रमजान आ ही गए क्यों ना एक चीज कर ले, वो चीज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ।
क्या है दिखा दूँ? क्या दिखा दूँ, क्या चीज़ है? बल्कि चलो बता देता हूँ पहले भैया, मैंने सोचा यार क्यों ना 30 दिन जब भी हम व्लॉग करें हमारे सर पे हो टोपी। टोपी का है? टोपी तो तुम खुद हो, सबसे बड़ी सबसे बड़ी टोपी तो तुम पहनाते हो। ये जियो टोपी अच्छी लगी। मैं हाँ टोपी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पहनाना आती है, मुझे पता है। अच्छा बात सुनो, क्या यही लंबी कर दोगे? बंद करो आप कैमरा। क्या नहीं बंद नहीं करो, मैं तेरे टोपी पहन के दिखा दूँ। पकड़ो आप मोबाइल, पकड़ो टोपी पहन के दिखाता हूँ। अरे ये कैसे ले मारी टोपी? मैं आपको ना जादू दिखाता हूँ, पता है कैसे? देखे अब लगा रहा ना फुल जन्नती। टोपी भी देखो बिल्कुल टाइट टाइट, आपके भाई ने फुल टाइट टोपी पहनी हुई है और आपको फुल जाली लग रही है। फुल क्या मतलब जाली? फुल जाली। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलना चाह रहा हूँ। बोलना नहीं चाह रहे आप सब, यू नो समझदार है यार, सबको पता है क्या कहना चाह रहे। मैं कुछ भी लगा रहा हूँ लेकिन माशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे जो है 30 दिन अभी टोपी सर पे पहने रहूँगा और पहनाऊंगा भी, जैसे कि मुझको मैं पहनाऊंगा। जाओ भाई पहन कर आओ, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं ना। अच्छा थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यार देखो मैं नहीं चाहता कि पूरा व्लॉग यहीं पर ही शुरू हो और यहीं पर ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है भाई। घर पे जाना है, सही है, सहरी भी करनी है और फिर नमाजें भी पढ़नी है पूरे दिन की, मतलब पूरे दिन आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, ऐसा ही है। और इतनी रात हो रही है, आप हमारे इलाके में चहल पहल देखें कि कितनी है। कितनी है? इतनी ज़्यादा है कि मतलब आगे जो है ना उधर उस तरफ जो है ना मैच चल रहा है भाई, मैच देख रही है। हाँ आवाज आवाम आई भी है भाई, लड़के आए भी, मैच चल रहा है, हम पता है इधर क्यों खड़े हैं ताकि बॉल ना लग जाए पहली बार शोर, समझ रहे ना। गाइस अब हो चुका है शहरी का वक्त और शहरी में हमारे साथ कौन कौन तशरीफ लाए हुए हैं? अच्छा खान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या मुबारकबाद नहीं दोगे क्या? मतलब कुछ लोग आपको देख रहे हैं, किस चीज़ सलाम वलाम करते हैं इंसान। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को रमजान करीम का चांद बहुत बहुत मुबारक। और ये एक और है हमारे भाई माशाल्लाह हमदा भाई। हाँ भाई, भाई सलाम करो ना भाई। सलाम अलैकुम। हाँ और भाई इसी दस्तरखान के अंदर एक हमारी बेटी भी दिल की शान, हमारी जान, हमारी जान भाई, जान बर्थडे बॉय, रमजान की आमद आमद शामद के दिन उनकी है सालगिरह। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ कैसा पहली सहरी? वो बाद ये हमने सोचा यार रमजान में डेली करेंगे ना, एक साथ करेंगे। अच्छा भाई सहरी में हम क्या खा रहे हैं? गालिब भाई खा रहे हैं पराठा अंडा, हम तो भी यही खा रहे हैं। फात भाई फैनी बना रहे हैं, फैनी बहुत अच्छी बनाते भाई। भाई हम सब कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं। बेगम कहाँ है आपकी? बेटा वो बेगम हो गई है, उसको गम लग गया था, उससे सारे गम खत्म हो गए। अच्छा भाई अब मैं कर रहा हूँ, मैं पता करूँ, मैं लगाऊंगा मक्खन, मक्खन लगा के खाऊंगा चाय के साथ। बैंड खाते जाओ, रोज बढ़ते जाओ, दो दो फूल सही है। और अब जो है ना मैं सैरी करने के बाद फिर आपको डायरेक्ट बाहर मिलता हूँ मुझ के साथ। तो यार मैंने जो है सहरी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है और पेट भर के कर ली है, उम्मीद है आप सबने भी कर ली होगी। और भाई मेरे सामने माशाल्लाह माशाल्लाह क्यों भी लगा के इतने अच्छे लग रहे हो। और भाई आपसे आपको एक और शख्स अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और शख्स से मिले आप सब, एक और शख्स से रमजान मुबारक और उसकी फजर मुबारक। उल्टी सीधी हरकत दे घर वाले उससे। चलो भाई चलो फजर पढ़ने चलो, जल्दी आ जाओ। अरे ये कौन मिल गए? ये तो हमारे सब्सक्राइबर मिल गए और हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, द वन एंड ओनली शाह साहब है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गले आपको भी मुबारक हो, कैसे आप? ठीक है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सो रहे अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब जो है सुबह हो चुकी है और जो है हमने जो है फजर की, क्या सुबह तो फजर में हो गई थी और हमने जो फजर की नमाज पढ़ ली थी, लेकिन अब पता नहीं है बारिश भी हो चुकी है। बारिश? मैं भाई मुझे पता है जब बारिश हो रही थी मैं उठा हुआ था, उठे हुए थे तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई?
ओ अच्छा अच्छा ऐसा हुआ क्या? अच्छा मेरी बात अच्छा बता दी हम कहाँ आ रहे तुम्हारी नमाज रह गई है मेरे को साथ लेके जा रहे हो जब भी तो देखो जब मैं बैठूंगा देखो मैं चाह रहा हूँ जब मैं जो भी नेकी करूँ ना उसका हिस्सा थोड़ा सा हिस्सेदार आपको ही नेकी पहले ही करके आ चुका हूँ आ चुके हो आओ भाई कौन सी जोहर की नमाज पढ़नी है मैं पढ़ के आ चुका हूँ कब पढ़ी आपने मैंने आधे एक घंटे पहले पढ़ चुका हूँ हमने जो है नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह और अब हम जा रहे हैं अपने घर वालों का कुछ काम करने कहाँ भाई सौदा मुझे पता है मेरी जेब में जो है ना पर्ची रखी हुई है आपको दिखाता हूँ पहले एक मिनट में ये देखो मेरी जेब में क्या है ये दे दे पकड़ो मोबाइल पकड़ो पर्ची खोलो बल्कि पर्ची खोलो सौदा लिखा हुआ भाई सौदा लिखा हुआ है देख रहे हैं सौदा लिखा हुआ बंद गोभी शिमला मिर्च गाजर है ये क्या खाने वाले दही दही है आए बस चलते हैं सौदा लेने चलते हैं बस यही रहता है भाई हमारी ज़िंदगी में तो बस घर वाले काम करते रहो बस यह सब्जी वगैरह जो हमने सारी ले ली है ठीक है जो जो हमें चाहिए थे और क्या लेना है मुझे शिमला मिर्च है यार बात सुनो पर्ची पढ़ो ना पर्ची कहाँ पढ़ो अगर पढ़ के तो दिखा दी दही लो जल्दी सामने से जाके दही लो हाँ जाओ दही लो सही है क्या बात घर चलो जल्दी चलो टाइम नहीं है यार वक्त कम है मुकाबला सकते तो गाइस असर की जो है नमाज़ पढ़ ली थी हमने मीन्स गालिब भाई ने हमजा भाई ने हम सब ने और हमजा भाई देखे इधर हम कहाँ हमें पता किधर आए वो ये देखे पतंग उड़ाने आए हुए हम छत पे और हमजा भाई की पतंग देखे कहाँ जा रही है ये देखे वो रही और हमारे साथ हमारे हमसाए यानी कि पड़ोसी अस्सलाम वालेकुम गाइस काला वैसे नहीं वैसे मेरा हाला इंट्रो याद है काला के ताए वाला काला के ताए के नानी के बच्चे पोते के बच्चों और ये अलियान भी है भाई ये भी डल गए कैसे हैं आप ठीक है काटी क्या काटी वो जा रही कितने काटी हमदा भाई ने यार मुझे भी तो मौका दो यार उड़ाने का वैसे बात सुनो कैसा लगा रहा है क्लास अच्छा लग रहा है यार लेकिन यार आज का जो मौसम है ना ओए होए मतलब अल्लाह की व्यू आ रहा है देख रहे हैं आप ये देखो रमजान में पता अच्छा बात सुनो मार आपने रखा रोजा जी है पक्की बात है देख लो है अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले कुछ मैंने आपको खाते हुए देखा था आप फाफड़ खा रहे थे क्यों नहीं रखा बात सुनो बिरयानी कौन बना रहा है पापड़ खा रहा है उसकी खुशबू है मुझे बिरयानी की आ रही है यार रोजा लगवा दोगे तुम लोग फजूल में अच्छा बात सुनो ये पता है अभी उड़ाऊंगा यही हमदा भाई मुझे भी तो मौका दो उड़ाने का हमें भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं समीर भाई के हाथ में आ गई पतंग अबे डल लिए तो ये डाल छोड़ 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 अबे ये क्या हुआ यार समीर भाई को पतंग नहीं उड़ानी आती भाई की सब काम आता है कभी उड़ाई नहीं ना यार अबे हवा ही नहीं चल रही पूरे गिर रही है कुछ बेटा गिरती है तो उसको उठाते हैं ये भाई मुझे तो आती नहीं है और फात भाई पता ही है फात भाई गए हुए फ्रूट वगैरह लेने ना सदर गए हुए तो मैं भी उनके साथ जा रहा था लेकिन भाई ने कहा यार छोड़ो मेरे दोस्त भी है आप घर पे बैठो कहीं ऐसा ना हो कि आपको रोजा लग जाए अब जो है मैं आपको मिलता हूँ अफ्तारी के दस्तरखान में भाई दस्तरखान जो लग चुका है आपने मैं जो आपको चीज़ें दिखाता हूँ खाने में क्या देखे पकौड़े और फ्रूट चाट जी ये रोल है ये शायद अम्मी ने घर में खुद बनाया सही है और ये स्ट्रॉबेरी है और वो रहा पाकोला का वो पाकोला भी बन रहा है वो शरबत ये दही बड़े दही बड़े तो छुपे हुए दिखाओ हाँ ये फेवरेट है सही बताए बगैर तो अफ्तारी नहीं होती ना ओहो आप बताएं खजूर फेवरेट है मेरी बस खजूर ये लीजिए ये दो जीरो हमदा भाई खजूर हमदे के हाथ में पहले खा लो यार चलो भाई भाई मांग लिया हमने दुआ में जिसको मांगना था अच्छा वो सिर्फ पैसा क्या कह रहे चलो भाई दुआ कर लो अच्छा भाई अब जो है ना मैं अफ्तारी करने के बाद आपको मिलता हूँ कर लो गाइस मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी कर ली है पेट भर के और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अच्छी और पेट भर के अफ्तारी करी होगी और भाई मज़े की बात ये है कि मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली वो जो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था ना वो जो आपने वो क्लिप
देखा है ना वीडियो में, वो मैं नमाज पढ़ के ऊपर से नीचे आ रहा था, तो शायद आपको पता है फिर बोलना तो मुनासिब नहीं होगा मस्जिद में क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। मैं बोलता गाइस मैं आ रहा भी नमाज पढ़ के बाहर मिलते, तो जब भी मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया आपको दिखाने के लिए। और शान भी मेरे साथ है गाइस, हम तो सभी भाई के साथ ही रहते हैं ना, फिर क्या। हाँ असिस्टेंट है, असिस्टेंट मोहब्बत है भाई की, तराबी पढ़ने भी आना। टाइम क्या हो रहा है अभी? एक सेकेंड मेरे को घड़ी है। अबे भाई 7:30 बजे कोचिंग, सर नबील ने बुलाया है 7:30 बजे। 7:30 बजे जाऊँगा फिर वहाँ से तकरीबन 8:30 बजे तक आऊँगा। तरावी कितने बजे होगी? तरावी होगी 9:30 बजे तक होगी यार। अच्छा मतलब आराम से हो जाएगा है, मतलब छुट्टी वगैरह हो गए आराम से आते, मतलब फौरन बैग रख के फौरन जाना है तरावी पढ़ने। मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सही है। और अब जो है अच्छा व्लॉग का भी एंड नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है कितनी जल्दी एंड कर दूंगा, अभी कोचिंग जा रहा हूँ, सही है। कोचिंग से जब आऊँगा ना फिर आपसे मिलूंगा, फिर तरावी पढ़ने भी जाएंगे साथ। तरावी पढ़ने भी जानी है? तरावी हम भी पढ़ेंगे ना। अच्छा तरावी पढ़ने आनी है, जब वहाँ से आऊँगा फिर करूँगा व्लॉग का एंड, ठीक है। एंड अभी नहीं होगा, अभी आराम से अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है जी, अभी बारिश शुरू होने वाली है। कुछ भी गाइस देखे मैं कोचिंग तो गया नहीं, इसकी वजह ये थी, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये मत समझो कोचिंग की भाई मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं गया, मैंने सोचा यार देखो पहला दिन है मुझे, है पहला दिन है ना, पहला दिन क्या 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 ये क्या भाई क्या क्या ये क्या नई चीज़ देख रहे हो? नहीं नई चीज़ है, नई चीज़ है। टायर लाए थे जापान से, मेरा टायर जापान से लाए थे। अजीब बातें कर रहा है कैमरा और क्या है। अच्छा इधर आओ भाई, मैंने देखा कोचिंग का जो है ना टुल्ला मार लिया, छुट्टी कर लिया आपके भाई ने, सही है। और मान लिया आप नमाज की देर हो रही है, जल्दी। अच्छा हाँ भाई आपको बता दूँ तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, सही है, और ईशा की नमाज भी पढ़ेगा, बस जल्दी से चलो। तो भाई तरावी वगैरह में पढ़कर आ गया था, ईशा की नमाज भी पढ़ ली थी, आप देख सकते हैं कौन है मेरे साथ है, पिल्ले। अबे नहीं करो यार गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा था ना कि गालिब भाई की जो है ना जन्मदिन है, सालगिरह है। देखे भाई उसका केक गिरा है, कहाँ से लाए बोते? ये देखिए ये स्काई से, हाँ स्काई बहुत दूर से लाए हमने, साथ में आसमान से लेकर आई है केक, साथ में आसमान से आते खराब हो गया था फिर हम दोबारा उसको लेके गए, फिर वापसी हम साथ में आसमान पे लेके गए, हाँ फिर चांद को उसके ऊपर है ना, फिर वो आया तू मेरी महबूबा। ये देखे आओ भाई जलाते हैं, गालिब भाई का इंतजार कर रहा हूँ, दिखाओ मैं जलाऊं। सारी मोमबत्तियां जल गई हैं, हाँ गाइस जल गई, अभी एक बुझ गई है, एक बुझ क्यों बुझ गई, अभी मैं सारी बुझाऊंगा देखो। हैप्पी बर्थडे टू भाई, ये क्या गलत बात हो गई, जिनकी सारी मेहनत करवाई ये भाई, सीधे जल हम जला देंगे, जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ। लिखा हुआ क्या ये मैं बताता हूँ, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो, यू फून तो हो, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे बड़े भाई, हैप्पी बर्थडे। आप ये चेक कर रहे मतलब इतनी कोई हट के बर्थडे बनी, टोपी पहन के केक काटा हमने, देख रहे आप। अच्छा भाई अब जो मैं केक खा लेता हूँ, सही है, उसके बाद बता दो। आपके भाई ने खा लिया भाई, पूरा चटपट कर आया अपने हिस्से का केक। और लेकिन मैं बाहर जो है फिलहाल इसलिए आया हूँ, मुझ बाहर क्यों आया हूँ? बाहर मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को एक छोटे आदमी ने आवाज़ दी। वो छोटा आदमी कौन है? छोटा आदमी नहीं है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, सादान नाम है। अस्सलाम वालेकुम सादान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? हाँ कैसे है बच्चा? बात सुना, फिर रोजा रखा था? रखे थे, क्या मतलब बहुत सारे रख दिए एक साथ करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि भाई देखिए पहला रोजा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छे से गुजरा, उम्मीद है आप सबका भी बड़ा अच्छे से गुजरा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट कल व्लॉग में, कल भाई कल यार डेली व्लॉग करना है ना, हाँ तो नेक्स्ट व्लॉग में चले भाई साहब, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ नए तरीके से, अल्लाह हाफिज़।